हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका एक बार से फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो कि आप लोगों की पार्टनरशिप के अंदर आता है। और ये टॉपिक आप लोगों को प्लस टू के अंदर, बी कॉम के अंदर और सी ए फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर भी आप लोगों का ही रहता है। तो इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। देखिए बेटा, जैसे कि कुछ पार्टनर मिलके पार्टनरशिप फर्म को बनाते हैं और पार्टनरशिप फर्म को बनाने के बाद में वो एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको कि पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। और उस पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर उस पार्टनरशिप डीड के अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं तब उसको क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बेटा, अब समझने वाली बात यह है कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अभी देखिए बेटा, जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे जितने भी पहले वाले बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं पार्टनरशिप के, वो सारे खत्म कर दिए जाते हैं और अब एक नया रूल एंड रेगुलेशंस बनाया जाएगा और जो नई हमारी पार्टनरशिप डीड है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाती है। क्लियर है बेटा ये चीजें? ठीक है। तो अब हमने जैसे कि पढ़ा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला टॉपिक है। हम लोगों ने ऑलरेडी वो कर रखा है, जितने भी वीडियोस हैं आप लोग सारी हमारे इस चैनल पे चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और आज हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए बेटा, जब एक नए पार्टनर का एडमिशन हम लोग बिजनेस में करेंगे तो अपने को कौन कौन सी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी बिजनेस में, सबसे पहले उसको समझते हैं। ठीक है। अच्छा, एडमिशन करना क्यों पड़ता है? एडमिशन करने के भी कई कारण हो सकते हैं। देखिए, हम जब मान लीजिए बिजनेस के अंदर दो पार्टनर हैं या तीन पार्टनर काम कर रहे हैं, उनके पास कैपिटल की कमी आ गई, वो सोच रहे हैं कि क्यों ना एक पार्टनर बिजनेस में और ले आते हैं जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल इज द मेन प्रॉब्लम। हो सकता है कि जो ऑलरेडी पार्टनर काम कर रहे हैं उनके अंदर किसी स्किल की कमी है, हो सकता है उन्हें मार्केटिंग के पर्सन की कमी हो, सेल्स के पर्सन की कमी हो, ऑपरेशन के पर्सन की कमी हो, परचेज का पर्सन उनमें नहीं है, तो इसीलिए हो सकता है किसी स्किल की कमी है तो नया स्किलफुल पर्सन वो लेके आ रहे हैं बिजनेस में जिसकी वजह से एडमिशन हो रहा है। हो सकता है उनके पार्टनर सॉरी बिजनेस के अंदर कोई एम्प्लॉय है या मैनेजर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए वो अपना पार्टनर बनाना चाह रहे हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार के हमारे रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। तो अभी समझते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाएंगे। तो सबसे पहले है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा, जब एक पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। जो भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वेयर इज द मार्कर, बेटा ये मार्कर देना प्लीज। थैंक यू। देखिए बेटा, पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो क्या होने वाला है। देखिए, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, देयर आर टू पार्टनर्स एंड 3:2 रेशियो की ऑलरेडी बिजनेस में चल रही है। इज इट क्लियर? ये 3:2 की जो रेशियो चल रही है तो इसकी वजह से अभी अगर बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है सी, तो इनको कुछ ना कुछ शेयर उसको देना पड़ेगा। कितना भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है स्टेटमेंट के ऊपर। अब कितने प्रकार की स्टेटमेंट बन सकती हैं वो सारी हम पढ़ने वाले आज इस चैप्टर के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है। तो आप लोगों ने एंड तक ये वीडियो देखनी है। एंड जो भी बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहती है इन टॉपिक्स में, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ेंगे और इसके अंदर जितने भी प्रकार की स्टेटमेंट बनेंगे वो सारी समझेंगे। अभी ए बी सी, ए बी पार्टनर्स हैं, सी बिजनेस में नया आया, कोई इसको शेयर दिया गया, तो इनके शेयर के ऊपर क्या असर होगा, इनका शेयर कम होने वाला है ना, क्योंकि ये अपना जो पार्ट ऑफ शेयर है, फ्रैक्शन ऑफ शेयर है, ये कुछ ना कुछ सरेंडर करने वाले हैं, सेक्रीफाइस करने वाले हैं, किसके लिए, इसके लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम लोगों को बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एट द टाइम ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तब भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट करा था, सेम वो ट्रीटमेंट यहाँ पे होने वाला है। रिवैल्यूएशन हम लोगों ने बनाना सीख लिया था, रिवैल्यूएशन यहाँ पे करेंगे हम लोग। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये वाले भी हम लोग टॉपिक आगे आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि पूरे चैप्टर में कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं।
एडजस्टमेंट ऑफ, ये वाला जो टॉपिक है लास्ट वाला, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर जो नया पार्टनर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करने वाले हैं। ये इस चैप्टर के अंदर नया टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए अपने अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज का जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के मेनली चार प्रकार के हमारे स्टेटमेंट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आएंगे, चाहे वो बीकॉम है चाहे वो प्लस टू क्लास के अंदर है। तो कौन कौन सी वो स्टेटमेंट बन सकती है यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए बेटा, पहली स्टेटमेंट है वन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है सिर्फ इसी की क्या दी गई है प्रॉफिट, इसकी रेशियो दी गई है कि उसको इतना शेयर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा क्वेश्चन, वो अभी अपने करके देखने वाले हैं। पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन पॉइंट्स को आप लोग अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट कौन सी बनेगी, व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। इसका मतलब क्या है, जो नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है ये पार्टनर जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनसे अपना शेयर जो ले रहा है वो इक्वली इक्वली ले रहा है, ये बात समझने वाली है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बनेगी, तो इसके हम क्वेश्चन करके देखेंगे। व्हेन न्यू पार्टनर, ये जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, टेक्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है वो पुराने पार्टनर से कोई पर्टिकुलर रेशियो, पर्टिकुलर रेशियो का मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई होगी और किस प्रकार की स्टेटमेंट होगी वो अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर रेशियो के अंदर वो शेयर ले रहा है तो कैसे कल अपने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फोर्थ है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर्स, ये लिखा होगा बेटा क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि ए है, ए ने सी के लिए कितना सरेंडर किया, बी ने सी के लिए कितना सरेंडर किया, तो ये सब हम समझेंगे इसमें, ठीक है। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर्स ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन द फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो अभी मेन हम इस टॉपिक को करने वाले हैं और एक एक करके इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे, इन पॉइंट्स को हम करके देखेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में और हमारी ये जो वीडियो है बेटा इसको लाइक जरूर कर दीजिए कि आप लोग और आपके जितने भी मित्र हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं आपके नॉन, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए कीजिए, क्योंकि उनका भी बेनिफिट हो इस वीडियो को देखकर। चलिए, तो सबसे पहला था when only the ratio of new partner is given, ठीक है बेटा। टॉपिक था, मैं लिख लेता हूं यहां पे, when only the ratio of new partner is given, ठीक है। मान लीजिए हमारे पार्टनर हैं ए है बी है, इनका शेयर है 3:2, बिजनेस में नया आया सी और इसको कितना दिया गया जी, इसको दिया गया 1/6 शेयर, बस इतना बताया गया है और कुछ भी नहीं बताया गया, और बोला गया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोगों ने क्या करनी है निकालनी है। एट द टाइम ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये जो 1/6 शेयर सी ले रहा है ये ओल्ड पार्टनर से उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर ले रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए और अगर चाहो तो आप लिख सकते हैं इसको। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया हो कि सी आया है बिजनेस में, नया पार्टनर आया है और उसकी सिर्फ नया जो पार्टनर उसकी रेशियो दी गई है कि उसको इतना शेयर दिया जाएगा, क्लियर है, और ओल्ड की है वो रेशियो ऑलरेडी दी गई है, तो हम ये मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि ओल्ड पार्टनर है वो किस प्रकार से ओल्ड रेशियो के अंदर इसको वो शेयर देने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ध्यान से समझ लीजिएगा। ये वाला टॉपिक अगर आप लोगों ने समझ लिया, ये बेस है पूरे एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए,
तो आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होंगे, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट इसका भी होगा नई प्रोफेशनिंग रेशो को निकालने के लिए। तो इन चारों के चारों पॉइंट को समझना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, हम करेंगे लेट द टोटल शेयर इज वन, क्लियर है। अभी क्या होगा, टोटल शेयर कितना है, वन है, और इसको कितना दे दिया गया नए पार्टनर को, 1/6 दे दिया गया। तो हम क्या लिखेंगे, देन द रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 - 1/6 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 6, एंड इधर आ गया 6 - 1 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है बेटा। अब ये जो शेयर है 5/6 ये किसके लिए बचा है, इन दोनों के लिए बच गया ना बेटा। तो अब ये जो पार्टनर हैं ए एंड बी है, ये इस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो के अंदर। अब हम यहां पे लिखेंगे न्यू शेयर और रेशो ऑफ ए एंड बी, ए का कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा, इसका ओल्ड कितना है, 3/5 है, 2/5 है, तो इसका आ जाएगा जी 3/5 ऑफ 5/6। तो इसका हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, इसका मतलब क्या है, जो रिमेनिंग शेयर है 5/6, इसमें से 3/5 किसको मिलने वाला है, ए को मिलने वाला है, तो कितना आ जाएगा 15/30, इज इट क्लियर। अभी काटने पीटने की जरूरत नहीं है, बाद में काटेंगे, ठीक है। तो बी का शेयर कितना होगा, 2/5 ऑफ 5/6 इज इक्वल टू 10/30, इज इट क्लियर। अभी देखिए बेटा किस प्रकार से करना है आप लोगों ने, ये निकलने के बाद में फिर आप लोगों ने दोबारा से लिख लेना है, ठीक है। ए बी सी इसका कितना आ गया जी, 15/30, 10/30, 1/6, एलसीएम ले लीजिए, 30 कितना आ गया, 15, 10 एंड 5, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, आप काट के लिख दीजिए इसको, 3, 2, 1, इज इट क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं अपने, बस आराम आराम से इस वीडियो को करते चले जाएंगे, देखते चले जाना बेटा, और आप लोगों का ये पूरे के पूरे चैप्टर का ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अगर ये क्लियर हो गया तो बाकी वाले सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। सॉरी क्या सही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है बट मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट आप लोग जो मैंने आपको बोला था स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, तो वहां से आप देख लीजिए। तो इसके अंदर इसने क्या बोला है कि जो हमारे नया पार्टनर है वो जितना भी शेयर ले रहा है ओल्ड पार्टनर से किस प्रकार से ले रहा है, इक्वली ले रहा है। तो अपने एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें मान लीजिए ए है, बी है एंड सी है, वो नया आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। इनकी ओल्ड रेशियो है मान लीजिए 7:5, ठीक है। नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है 1/6, इज इट क्लियर, 1/6 इसको मिल रहा है, इनकी ओल्ड रेशियो कितनी है। अभी क्वेश्चन क्या है कि जो नया पार्टनर आ रहा है सी बिजनेस में, ये अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इक्वल रेशो के अंदर ले रहा है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, बस इनको जिस प्रकार से क्वेश्चन को बोला गया है उसको समझने की, अगर आप लोगों ने एज इट इज उस क्वेश्चन को समझ लिया तो आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बोला क्या, ध्यान से समझ लीजिए, न्यू पार्टनर सी is taking his share from old partners in equal ratio, equal ratio में मतलब इसका आधा कर लीजिए, वो आधा इससे लिया है and इसका हाफ इसने इससे लिया है, क्या statement समझ में आ गई, very good। तो अभी देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अपना equal करेंगे, तो ये जो इनका equal होगा वो इनका क्या होगा, sacrifice होगा ना, समझना है ना। तो इसके अंदर बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो का भी समझना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। लास्ट अभी हमने स्टेटमेंट करी जो उसके अंदर क्या था, जितना भी उनका डिडक्ट हो गया वो उनका सैक्रिफाइस माना जाता है। अभी देखिए इसमें
हम सबसे पहले लिखेंगे सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी। इसमें ए और बी का पहले सेक्रीफाइस निकलेगा। कैसे निकलेगा? हम निकाल देंगे 1/2, बोला ना इक्वली। अगर दो पार्टनर पुराने हैं तो 1/2 ऑफ क्या कर देंगे 1/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/12। अगर बेटा तीन पार्टनर यहाँ पे होते ही तो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस ऑफ ए बी एंड सी, बी ने आ रहा है तो हम क्या करते हैं 1/3 ऑफ 1/6। इज इट क्लियर? ठीक है जी, अब ये आ गया। तो हम अब क्या लिखेंगे, न्यू रेशो, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी। इसकी तो भैया यही रहने वाली है, रेशो किसकी चेंज होगी, इनकी होगी। अभी ए का कितना हो रहा है, ए का पुराना कितना है 7/12 सॉरी एंड माइनस 1/12 क्योंकि ये क्या है इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। बी का कितना होने वाला है 5/12 माइनस 1/12। चलिए 12 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6/12 एंड 12 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/12। अब यहां पे लिख लीजिए ए बी सी, ठीक है। अभी कितना कितना आ गया इनका 6/12 एंड आफ्टर दैट 4/12 एंड आफ्टर दैट 1/6। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी, वो क्या गेट को ओपन कर लीजिए वहां से। चलिए हो जाएगा 12 के बाद में यहां क्या आ जाएगा 6/4 एंड अभी क्या हो जाएगा, इसको कट करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, अगर इसको काटते हैं ना तो 2 and 1, 3 to 1, ये इनकी नई रेशो आ जाएगी, ठीक है। न्यू रेशो क्या है, दिस वन। और क्वेश्चन में अगर पूछ लेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन सी है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो है ये वाली। पिछले क्वेश्चन में भी सैक्रिफाइसिंग इनकी कौन सी रेशो थी जो उनका डिडक्ट किया गया था, न्यू उनके जो ओल्ड शेयर में से जिसको भी डिडक्ट किया गया था, दैट वॉज द उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो उसमें कितनी आ रही थी, सेम आ रही थी 3-2 जो क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट अभी करके देखते हैं, होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और एक बात बता देता हूँ, ये ऐसे टॉपिक्स हैं आप लोगों को एक बार देखने के बाद लगेगा कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो सर ये तो बहुत आसान सी चीज है। लेकिन कन्फ्यूजन कब होगी, जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या होगा कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी आज देने वाला हूँ, आपको होमवर्क देने वाला हूँ छोटा सा, और वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए जो थर्ड था हमारा, थर्ड पॉइंट आप चेक कर लीजिए एक बार, वो था व्हेन द न्यू पार्टनर टेक्स ही शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। क्लियर? अब ये कह रहा है थर्ड पॉइंट है जो हमारा, ए है बी है एंड सी है, ठीक है। रेशियो की दे रखी है, ये नया आ रहा है, मान लीजिए इसकी रेशियो है 7, इसकी रेशियो है 3। बिजनेस में आया सी, और बिजनेस के अंदर जो सी आया बोल दिया गया कि सर उसने जो उसका शेयर कितना है 3/7 बोल दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर ले रहा है वो ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशो में ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वल नहीं ले रहा, ओल्ड में भी नहीं लेगा, एक नई रेशो के अंदर लेगा। कौन सी रेशो, मान लीजिए हमने बोला कि ये वाला ए से ले रहा है और बी से ले रहा है, ए से कितना ले रहा है 2/7 एंड इससे कितना ले रहा है 1/7, ठीक है जी, ये क्वेश्चन आ गया। अभी देखो इसको अगर दोनों को जोड़ के देखोगे ना आप लोग, प्लस करोगे तो यही बनने वाला है 3/7 ही बनने वाला है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, स्टेटमेंट समझ में आई नहीं? पहले बेटा स्टेटमेंट समझ में आना जरूरी होता है, और स्टेटमेंट अगर समझ में आ गई तो जट से क्वेश्चन आपके ये निकल जाएंगे, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूं, 7/3 रेशो है ए और बी की, बिजनेस में नया पार्टनर आया सी, सी को जो शेयर मिला दैट इज 3/7, और ये बोला गया क्वेश्चन में स्टेटमेंट में और दिया गया कि 3/7 सी किस प्रकार से ले रहा है ए एंड बी से, ए
ए से ले रहा है 2/7 एंड बी से ले रहा है 1/7। बोले तो क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा बता दिया ये ए और बी का क्या है जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का, ठीक है। अभी क्या निकालना है अपने को, सीधा सीधा न्यू रेशो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस प्रकार से करना है, ठीक है। ए का कितना आ गया, ए का ओल्ड शेयर कितना है 7/10 माइनस 2/7, बी का कितना आ गया जी, बी का आ गया 3/10 माइनस 1/7। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, कैसे करेंगे, इस कैल्शियम ले लीजिए, मान लीजिए 70 आ गई एंड 749 माइनस 20 कितना आ गया 39/70, इनका कितना आ गया 29/70, इधर 70 एंड 21 माइनस इधर आ गया जी 10 और ये आ गया आपका 11/70। अभी क्या है ए बी सी कितना कितना 29/70 रेशो 11/70 एंड कितना है 3/7, एलसीएम ले लीजिए 70 29 रेशो 11 रेशो इनका कितना आ गया 10/30, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। डायरेक्ट होता है किसी से तो कर दीजिए, अदरवाइज ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है एंड ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है। लास्ट इसका जो है पॉइंट वो हम समझने वाले हैं, जो लास्ट पॉइंट है उसमें भी क्वेश्चन में लिखा हुआ सरेंडर, क्या लिखा हुआ कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने शेयर का जो भी उनका ओल्ड शेयर है उसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है ना, उसका फ्रैक्शन है जो अब फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर दे आर सरेंडरिंग टू न्यू पार्टनर। तो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ए है बी है 7:3 है एंड अभी यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जी सी बिजनेस में नया आया और क्या बोला कि जो ए है ए इज सरेंडरिंग हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी कितना 2/7। सेम स्टेटमेंट लिया है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को उलझा दिया मैंने, क्वेश्चन इसको सेम ले लिया, ठीक है। एंड बी इज सरेंडरिंग ऑफ हिज शेयर, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है, अब यहां पे दो बातें आने वाली है बेटा, प्लीज एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पे दो बातें आने वाली है, दोबारा बोल रहा हूं यहां पे दो बातें आने वाली हैं, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या बोला, या तो बोलेगा ऑफ हिज शेयर या तो क्या बोलेगा फ्रॉम हिज शेयर, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, अगर तो आप लोगों के आ गई फिर तो क्वेश्चन नहीं होगा और अगर बात समझ में नहीं आई तो फिर तो समझते रहिए। अभी समझिए 1/7 मान लीजिए, अगर उसने बोला कि जो ए है ए सरेंडरिंग 2/7 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, एंड बी इज सरेंडरिंग 1/7 फ्रॉम हिज शेयर, तो फिर उसी प्रकार से ये इनकी क्या आ जाएगी बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी एंड यहां पे हम लोग न्यू रेशो निकालेंगे, जैसा कि पिछले स्टेटमेंट में निकाला था थर्ड में, न्यू रेशो कैसे आ जाएगी, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी किस प्रकार से आएगा, ए का आ जाएगा 7/10 माइनस 2/7 एंड बी का क्या आ जाएगा 3/10 माइनस 1/7 और ये सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा जो हमने पीछे करके देखा हुआ, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम सर यहाँ है, अगर इसने ये बोल दिया नॉट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर का मतलब है अपने हिस्से का, तो फिर हम इसको ना सैक्रिफाइसिंग नहीं मान सकते, ये सैक्रिफाइसिंग नहीं रेशो है,
सैक्रिफाइसिंग रेशियो तब अपने को निकालनी पड़ेगी। किस प्रकार से? तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कैसे निकलेगा? ए का कैसे निकलेगा? क्या बोला? 2/7 ऑफ हिज शेयर, तो हम निकालेंगे 2/7 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर इज 7/10, तो कितना आ जाएगा ये? 14/70। क्या ये सैक्रिफाइस है? किसका है? इसका है भैया। ये बी का सैक्रिफाइस कितना आया? अच्छा ये 1/7 ऑफ 3/10 ऑफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/70। ये क्या हो गया? सैक्रिफाइस होगा किसका? बी का। इज इट क्लियर? अब हम यहां पे निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी। तो क्या करना है? ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस को माइनस कर दीजिए, न्यू शेयर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? ए का कैसे आ जाएगा बेटा? 7/10 माइनस 14/70। बी का कितना आ जाएगा? 3/10 माइनस 3/70 इज इक्वल टू 70 आ गया। 7/49 माइनस 14 एंड इधर क्या आ जाएगा? 70। और ये कितना आ जाएगा? 21 माइनस 3, तो ये कितना आ गया आप लोगों का? 5/3/70 एंड इधर आ गया आप लोगों का 18/70। तो न्यू रेशियो ए बी सी कितना आ जाएगा? 35/70, 18/70 एंड इन दोनों का टोटल। अच्छा अभी सी का शेयर कितना आएगा? सी का शेयर पता है कैसे निकलेगा बेटा? इसमें वो मत उठा के लिख देना, कंफ्यूजन यही है। हालांकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन बच्चे फिर भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ना स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते। और अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना सीख लिया ना बेटा, तो इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो कैसे निकलेगा सी का शेयर? ये जो सैक्रिफाइस, इसने कितना सैक्रिफाइस, इसने कितना सैक्रिफाइस किया, दोनों को प्लस कर दीजिए। बोले तो 14/70 प्लस में 3/70 कितना आ गया? ये 17/70, ठीक है, 17/70 ये आ गया। तो इनका न्यू रेशियो कितना आ गया? 35 रेशियो, सभी के नीचे 70 आ गया ना ये, इसीलिए 18:70 दिस विल बी द न्यू रेशियो, ठीक है बेटा। और अभी आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, जो आप लोगों को सॉल्व करना है और उसका आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा ये है आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है? तो आप देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। दे एडमिटेड लद्दाख एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स होली फ्रॉम जम्मू। Determine the new profit sharing ratio among the partners. ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन है करके इसको सॉल्व करना है, और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने कैसे मेरे होनहार बच्चे हैं जो इसका सही से आंसर देते हैं। हेजिटेट नहीं करना, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने गलत दिया है आंसर सही दिया है, इवन आंसर जरूर करना है आप लोगों ने। थैंक यू बेटा।